उत्तराखंड में सुरंग माथी श्रमिकों ने निकलता जोईने वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी घणा ज भावुक थई गया। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे आनो खुलासो कर्यो। महत्वपूर्ण छे के मंगलवारे सांजे ज्यारे श्रमिकों ने टनल माथी बाहर काढवानुं रेस्क्यू ऑपरेशन चाली रह्युं हतुं त्यारे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी केबिनेट बैठक में घणा महत्वना निर्णय लई रह्या हता। उत्तराखंडमां मंगलवारे सांजे टनलमां फसायेला 41 मजूरोने हेमखेम बहार काढवा माटे ऑपरेशन सिल्क यारा चलावायुं हतुं। पीएम मोदी त्यारे केबिनेट बैठकमां महत्वना निर्णयो करवाना हता। केबिनेट बैठक दरमियान पण रेस्क्यू ऑपरेशनने लईने वातचीत थई अने पीएम मोदी त्यारे घणा भावुक थया हता। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे आनी जाणकारी आपी छे। सूत्रों मुजब पीएम मोदीए केबिनेटना सदस्यों साथे रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव जोयुं। तो मैं जरूर कहूंगा, आपने ठीक कहा, कैबिनेट में उसका विषय भी आया। प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश ऐसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम दो बार स्थिति को वहां के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहां पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहां से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। आपको जानकारी देने के लिए दिन में दो बार प्रेस ब्रीफिंग एक बार यहां से एक बार उत्तराखंड से भी की जाती थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे सुरंगमां फसायेला मजूरोनु नेतृत्व करनारा गब्बर सिंहनो उल्लेख करीने कह्युं के एक टीम स्पिरिट होय छे, नेतृत्व क्षमता शुं होय छे आ पण श्रमिक भाईओए देखाड्युं। एक टीम स्पिरिट क्या होती है, नेतृत्व क्षमता क्या होती है, हमारे श्रमिक भाइयों ने वो भी दिखाया है, हौसला एक दूसरे का बढ़ाने का। और मैं देख रहा था गब्बर सिंह नेगी ने जैसे कहा बाद में भी कि मैं अंत में जाऊंगा, सबसे सीनियर मैं हूं, तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है किसी को भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन एक लीडर की भूमिका क्या है, वो हमें अपने श्रमिक भाइयों बहनों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे पीएम मोदी ना मन में श्रमिकों माटे रहेला अपार सम्मान नो उल्लेख पण कर्यो हतो। केंद्रीय मंत्रीए युक्रेन, लीबिया अने अफगानिस्तान नो उल्लेख करीने विदेशों में रहता एक एक भारतीयोना जीवनी चिंता करीने तेमने संकटमांथी काढवामां आव्यानो पण उल्लेख कर्यो छे। और जब हम पहले भी देखते थे, चाहे संसद भवन बनाया हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया हो या कोई हमारा कर्तव्य पथ बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा श्रमिकों के साथ मिलके ना केवल चित्र खिंचवाया, कई बार तो उनके पांव तक धोने का कार्य भी किया। ये अपने आप में दिखाता है कि उनके लिए महत्व क्या है। राष्ट्र के निर्माण करने वालों का, हमारे श्रमिक भाइयों बहनों के मन में, प्रधानमंत्री जी के मन में क्या कल्पना है, उनका क्या कितने क्या सोच है उनके बारे में। और उनके आज आप देखिए देश के अंदर ही नहीं विदेश में भी हो, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में हुआ तब भी एक एक जान को बचाने के लिए जो भी करना था, पांच पांच केंद्रीय मंत्री भी गए, दुनिया भर के लोगों से संपर्क भी किया गया, हर भारतीय की जान को बचाने के लिए टर्की, सीरिया, लीबिया, यूक्रेन से लेकर नेपाल, अफगानिस्तान तक मोदी सरकार ने वो किया है जो शायद पहले देखने को नहीं मिलता। 400 कलाक थी वधु समय चालेला ऑपरेशन बाद उत्तरकाशी जिल्लामां निर्माणधीन सुरंगमां फसायेला 41 मजूरोने बाहर काढवामां आव्या। पीएम मोदीए मोड़ी रात्रे तमाम श्रमिकों साथे वातचीत करी हती। पीएम मोदी समग्र रेस्क्यू ऑपरेशन दरमियान उत्तराखंडना सीएम पुष्करसिंह धामी साथे पण वातचीत करता हता। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।